खबरनामे की बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। गुजरात से प्रयागराज लाया जा रहा है माफिया अतीक, क्या पलट सकती है अतीक की गाड़ी? माफिया अतीक की गाड़ी पलटने की आशंका पर क्या बोले अखिलेश यादव? किसने कहा हमारे देश का कायर है प्रधानमंत्री? सीतापुर को अब कौन सी मिली नई सौगात? खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल टेढ़वा चिलौला लखीमपुर रोड सीतापुर, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल निकट खैराबाद टोल प्लाजा सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। माफिया अतीक को गुजरात से लेकर पुलिस रवाना, सड़क मार्ग से 1218 किलोमीटर दूर लाया जाएगा प्रयागराज। माफिया अतीक की गाड़ी पलटने की आशंका, अखिलेश बोले मुख्यमंत्री ने पहले ही बता दिया होगा। अखिलेश यादव ने विकास के दावों पर उठाए सवाल, बोले सिर्फ अपने सपने न दिखाएं। पुराने और अनुभवी नेताओं के दम पर लोकसभा चुनाव में उतरेगी भाजपा, यूपी में नहीं हुआ बड़ा बदलाव। प्रियंका गांधी ने पीएम पर बोला हमला, कहा कायर है देश का प्रधानमंत्री। 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों में ट्विटर पर लोकप्रियता हासिल करने वालों में यूपी के सीएम योगी सबसे आगे। लखीमपुर में कोविड का विस्फोट, शिक्षक सहित 40 छात्राएं मिली पॉजिटिव। आकस्मिक पशु चिकित्सा सेवा के लिए सीतापुर लखीमपुर को मिली 12-12 एम्बुलेंस। दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि पर कांग्रेस सत्याग्रह में कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस संसद में मेरे शहीद पिता का अपमान होता है, शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को मीर जाफर बोला जाता है, फिर भी इन पर कोई मुकदमा नहीं होता। उन्होंने अडानी मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हुए सवाल किया कि आप परिवारवादी कहते हैं तो भगवान राम कौन थे? क्या वह परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे? प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। माफिया सरगना अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से यूपी लाया जा रहा है। देर शाम भारी सुव्यवस्था के बीच अतीक अहमद को गुजरात से लेकर पुलिस सड़क मार्ग से रवाना हुई। अतीक अहमद को 28 मार्च को उमेश पाल अपहरण मामले में अदालत में पेश होना है। इस दौरान माफिया अतीक अहमद करीब 1218 किलोमीटर का सफर तय करेगा। गुजरात से प्रयागराज तक पहुंचने में लगभग 22 घंटे का समय लगने का अनुमान लगाया जा रहा है। माफिया अतीक को साबरमती, हिम्मतनगर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झांसी, बांदा से होते हुए प्रयागराज लाया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से जगह जगह भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। यूपी में सफर के दौरान माफिया की गाड़ी कभी भी पलट सकती है, इसे लेकर आशंकाओं का बाजार गर्म है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्री को पहले ही बता दिया होगा कि माफिया अतीक अहमद की गाड़ी कहां पलटेगी।
उन्होंने कहा कि अगर आप गूगल और अमेरिका की मदद लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कार कहां पलटी थी। माफिया अतीक अहमद को अपहरण के एक मामले में सजा सुनाने के लिए गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज जेल लाया जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर तंज कसा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार के 6 साल पूरे होने पर कहा कि सरकार अपनी छठी मना रही है और रोबोटिक प्लांट बनाने के लिए सपने दिखा रही, वो जनता को गुमराह कर रहे हैं, सरकार को अपने काम का हिसाब देना चाहिए, सपने नहीं दिखाने चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के या अन्य आरोप लगे हैं उनका क्या हुआ, ये भी बताना चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सारा से दोस्ती पर चर्चा में आए आरिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि आरिफ पर सिर्फ इसलिए कार्यवाही हो रही है क्योंकि मैं उससे मिलने चला गया। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री के एक जानने वाले के हाथी ने कुछ लोगों को मार दिया था, उस पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई। अखिलेश यादव योगी सरकार के 6 साल के पूरे होने पर सरकार द्वारा पेश की गई उपलब्धियों के दावों पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले जाति जनगणना पर बात नहीं करते हैं, बिना जाति जनगणना सबका साथ सबका विकास नहीं हो सकता। आगामी नगरीय निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश टीम में बड़े बदलाव का जोखिम नहीं उठाया है। पुराने और अनुभवी पदाधिकारियों पर भरोसा जताते हुए उन्होंने टीम में फिर मौका दिया है। बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की टीम में अधिकांश पुराने चेहरों को बरकरार रखा गया है। 45 सदस्यीय टीम में सिर्फ 8 नए चेहरों को जगह मिली है। इनमें कानपुर, बुंदेलखंड, पश्चिम और गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष को प्रदेश टीम में शामिल किया गया है। ट्विटर पर लोकप्रियता हासिल करने वालों में देश के 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले पायदान पे हैं, जबकि केंद्र शासित राज्य दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से योगी आदित्यनाथ पीछे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और देश के रक्षा मंत्री तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे राजनाथ सिंह भी योगी के मुकाबले पीछे रह गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 24 मिलियन फॉलोअर्स के साथ देश के सर्वाधिक लोकप्रिय सीएम बन गए हैं, पर केंद्र शासित राज्य दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ट्विटर पर लोकप्रियता बतौर सीएम सर्वाधिक कही जाएगी। केजरीवाल के 26.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ट्विटर पर 23.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 23 मिलियन ही फॉलोअर्स हैं। सीएम योगी से गृह मंत्री अमित शाह आगे चल रहे हैं, शाह के 32.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि विश्व में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने चाहने वालों का डंका बजवा रखा है, पीएम मोदी के 87.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अब खबरें सीतापुर जनपद से। पशुपालकों को घर बैठे केवल एक कॉल पर पशुओं के इलाज की सुविधा मिल सकेगी। पशुपालकों को 1962 पर कॉल करना होगा। आकस्मिक पशु चिकित्सा सेवा का शुभारंभ रविवार को सीएम योगी के लाइव प्रसारण देखने के बाद कलेक्ट्रेट में स्वतः विधायक ज्ञान तिवारी ने डीएम अनुज सिंह के साथ फीता काटकर एम्बुलेंस को झंडा दिखाकर किया। इस मौके पर सीडीओ अक्षत वर्मा, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीके सिंह आदि मौजूद रहे। जन समस्याओं के निस्तारण के लिए 27 मार्च को प्रातः 10 बजे ब्लॉक महोली क्षेत्र के ग्राम पंचायत उरदौली में जन चौपाल आयोजित की जाएगी। इस चौपाल में डीएम अनुज सिंह जनता की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण करेंगे। यह जानकारी सीडीओ अक्षत वर्मा ने दी। उन्होंने बताया इसके अतिरिक्त जिला अधिकारी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत में कराए गए ठोस, तरल एवं अपशिष्ट प्रबंध के कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा। जिला योजना समिति की बैठक 28 मार्च को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में होगी। बैठक की अध्यक्षता जनपद प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह की अध्यक्षता में होगी। बैठक में विकास कार्यों को लेकर चिंतन मंथन किया जाएगा, इस आशय की जानकारी सूचना विभाग ने दी। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत आईटीआई में उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड रिसर्च लखनऊ द्वारा 625 व्यक्तियों को दर्जी, हलवाई, लोहार, कुम्हार, राजमिस्त्री, बढ़ई में 6 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षित कारीगरों को मानदेय व टूल किट प्रदान की जाएगी। यह प्रशिक्षण पारंपरिक कारीगरों के कौशल उन्नयन योजना के अंतर्गत प्रदान किया जा रहा है।
बता दें इसका शुभारंभ 22 मार्च को मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव ने किया था। सीतापुर के सेक्रेट हार्ट के छात्र मानस मिश्रा ने प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए न कि सम्मान प्राप्त किया बल्कि जनपद का मान भी बढ़ाया है। दरअसल खेल मंत्रालय के निर्देशन पर जनपद के आरएमपी कॉलेज में खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसमें सेक्रेट हार्ट का छात्र मानस मिश्रा चयनित हुआ। लखनऊ के केजीएमयू परिसर के अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में Y20 के तहत हेल्थ वेल बीइंग एंड स्पोर्ट्स एजेंडा फॉर यूथ की थीम पर परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 6 देश, 12 राज्य, उत्तर प्रदेश के हर जिले से प्रतियोगिता के बाद चुने हुए कुल 150 युवाओं सहित कुल 700 लोगों ने हिस्सा लिया। यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लगाए गए शिक्षकों में से 1291 परीक्षकों ने रविवार को 32,558 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया, जिसके बाद अब तक जनपद में 266,367 परीक्षार्थियों की कॉपियां जांची जा चुकी हैं। डीआईओ एस राजेंद्र सिंह ने बताया कि 23,670 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अभी शेष है। सकरन खुर्द के बाबू राम पटेल बाल विद्या निकेतन में आयोजित वार्षिक उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का लाइव प्रसारण दिखाया गया। कार्यक्रम में सांसद राजेश वर्मा और बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा ने अपने विचार रखे। सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि शिक्षा हम सभी के उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह, भाजपा नेता कृपा शंकर वर्मा, प्रमुख प्रतिनिधि कृष्ण कुमार वर्मा, पूर्व प्रमुख दिनेश वर्मा, विद्यालय के प्रबंधक राजेंद्र पटेल, प्रधानाचार्य अनुज कुमार वर्मा, मिथिलेश वर्मा, मुन्ना रस्तोगी, अभिषेक मिश्रा, मदन लाल वर्मा, गिरजेश गुप्ता, राहुल वर्मा, गुड्डू पासवान, रंजीत वर्मा, रामचंद जायसवाल, नैमिस गुप्ता आदि मौजूद रहे। शिक्षक समागम का शुभारंभ मुख्य कोषाधिकारी जानवी मोहन आर्य कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर ज्ञानवती दीक्षित व भूपेन दीक्षित ने माँ सरस्वती के चित्र पर पुष्पार्चन, माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करके किया। ब्लॉक खैराबाद के कंपोजिट विद्यालय जमैयतपुर में आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं ने वाणी वंदना की। इस कार्यक्रम का आयोजन सिंचन एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के संरक्षक श्याम मनोहर मिश्रा ने किया। इस मौके पर कमलेश पांडे, अरविंद पाल, अरविंद प्रजापति, प्रधानाचार्य के वाजपेयी, कार्तिकेय शुक्ला ने अपने विचार रखे। संस्था के उपाध्यक्ष योगेंद्र पांडे, प्रबंधक कुशमेश मिश्रा, संयोजक अनुपम मिश्रा, मीडिया प्रभारी विमल त्रिवेदी, अश्विनी सिंह, शिवसागर वर्मा, देवेंद्र सिंह, विजय सिंह, सुमन सिंह, विवेक पंडित, सुशील गुप्ता, नरेश मिश्रा, कुलदीप वाजपेयी, प्रतिमा मिश्रा, सोनिया, रश्मि अवस्थी, ममता वर्मा मौजूद रही। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। प्रथम संस्था द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम में उत्कृष्ट सहयोग करने वाले सहयोगियों को सम्मानित किया गया। संस्था के पदाधिकारियों ने सर्टिफिकेट वितरण समारोह आयोजित किया। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत बहरी मऊ में आयोजित कार्यक्रम में प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बहरी मऊ सुशील कुमार, प्रथम संस्था से अमित कुमार सिंह, चंद्रभान सिंह, तेज प्रताप सिंह, राम सुंदर यादव, शुभकरण यादव, वीरेंद्र वर्मा, राहुल सिंह, विकास कुमार, आकांक्षा शर्मा मौजूद रही। भगवान श्री राम के प्रति सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेजने की कार्यवाही की गई। इस संबंध में राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना सीतापुर के जिला सचिव अंकित हिंदू ने लहरपुर कोतवाली प्रभारी आलोक मर त्रिपाठी को लिखित प्रार्थना पत्र सौंपा था। पत्र में कोतवाली लहरपुर के खानपुर मोहिनी दूनपुर के निवासी साहिबे आलमपुत्र मुनीर अहमद द्वारा कई दिनों से सोशल मीडिया पर श्री राम जी को लेकर अभद्र टिप्पणी करने की शिकायत की गई थी। लहरपुर कोतवाली प्रभारी आलोक मर त्रिपाठी ने बताया कि प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है।
प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा सहयोगी प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक पिसावा के प्राथमिक विद्यालय अर्थाना में किया गया। कार्यक्रम संस्था में सन 2019 से लेकर आज तक होने वाली गतिविधियों में सहयोग करने वालों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कामिनी विकास, अरुण, लक्ष्मी, आकाश, कोमल, नेहा, शोभा, मोहनी, माया, प्रिया आदि को संस्था द्वारा प्रमाण पत्र दिए गए। संस्था के जिला समन्वयक भैयालाल, तुलसीराम, पंकज वर्मा व अभिभावकगण मौजूद रहे। लहरपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम केसरीगंज देवी मंदिर में चल रहे 16वें नवरात्र महोत्सव में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे रविवार को नैमिष धाम से पधारे कथा व्यास पंडित वीरेंद्राचार्य महाराज ने कहा कि भगवान का भजन करने से कर्म अपने आप सुधर जाएंगे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने जो आपके भाग में लिखा है वह होकर रहेगा। शनिवार रात श्री वृंदावन धाम से आए राहिला के कलाकारों द्वारा प्रभु की बाल लीलाओं का सुंदर मंचन किया गया। नैमिषारण्य तीर्थ स्थित माँ ललिता देवी मंदिर में चैत्र नवरात्र के पंचम दिवस पर पूर्व राज्यसभा सदस्य भाजपा नेता नरेश अग्रवाल ने माँ ललिता देवी मंदिर में माथा टेका। पुजारी अटल बिहारी शास्त्री द्वारा वेद मंत्रों के साथ माता का पूजन अर्चन कराया गया और चुनरी भेंट की। इसके बाद भाजपा नेता ने मंदिर में स्थित हवन कुंड में आहुतियां प्रदान की। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मुनिंद्र अवस्थी मौजूद रहे। ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल सिधौली में अचीवर्स अवार्ड सेलिब्रेशन आयोजित किया गया। विद्यालय के एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर एन टंडन ने शैक्षिक वर्ष 2022-23 के मेधावी छात्रों को सर्टिफिकेट देकर प्रोत्साहित किया। विद्यालय की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर ऋतु जैन ने बच्चों के स्वर्णिम भविष्य की कामना की। इस मौके पर अविरल सिंह, फातिमा सबाब, अनुभूति जैन, आभाष शुक्ला, दर्श सिंह चौहान, सूर्यांश रस्तोगी, हुदा विनायक, दुर्गादत्त मिश्रा, निशांत सिंह, हारिश अख्तर, दिव्यांश यादव, तनिष्का चौधरी, कनिष्का रावत, रश्मि अवस्थी, नमन सिंह को सम्मानित किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी के देशवासियों के साथ मन की बात कार्यक्रम में आर्गन डोनेशन, देह दाग, अंगदान पर देशवासियों का ध्यान आकर्षण किया गया। पीएम मोदी ने 88,000 ऋषियों की तपोभूम नैमिषारण्य से जुड़े महर्षि दधीच को नमन करते हुए देवासुर संग्राम में देवताओं की रक्षा के लिए दिए गए देहदान की बात देशवासियों के सामने रखी। सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने बिस्वा विधानसभा के बूथ संख्या 258 सकरण खुर्द में उपस्थित रहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना। इस मौके पर सांसद राजेश वर्मा, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा व पदाधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा ने बूथ संख्या 238 पर बूथ अध्यक्ष सूर्यकांत पांडे के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना। इसी क्रम में बूथ संख्या 253 मंडल सीतापुर में एक में जिला प्रभारी त्रिंबक त्रिपाठी ने बूथ अध्यक्ष संतोष महंत की उपस्थिति में बूथ समिति और पन्ना प्रमुखों के साथ मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष आकाश अग्रवाल, जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, जिला उपाध्यक्ष नैमिष रत्न तिवारी उपस्थित रहे। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। लखीमपुर जनपद में पशुओं के इलाज के लिए अब पशुपालकों को भटकना नहीं पड़ेगा बल्कि उनके दरवाजे पर ही पशुओं का इलाज होगा। जनपद में 2 मोबाइल वेटनरी यूनिट का संचालन रविवार से शुरू हो गया है जो घर घर जाकर पशुओं का इलाज करेंगे। मोबाइल वेटनरी यूनिटों को कलेक्ट्रेट से विधायक योगेश वर्मा ने डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, सीडीओ अनिल कुमार सिंह के साथ झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक योगेश वर्मा ने कहा कि सरकार की इस योजना से पशुपालकों को बेहद लाभ मिलेगा। पशुपालक टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल कर सकेंगे। कॉल करते ही ये एम्बुलेंस मौके पर पहुंचेगी। लखीमपुर स्वास्थ्य महकमे की नींद उस समय उड़ गई जब जिले के एक विद्यालय में 37 छात्राएं, एक अध्यापक सहित कुल 40 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे समूचे जिले में हड़कंप मच गया। जानकारी होने के बाद पूरे इलाके को सैनिटाइज कराया जा रहा है। बता दें कि अभी 2 दिन पूर्व मितौली ब्लॉक के ही एक गाँव में 2 अलग अलग कोरोना पॉजिटिव केस मिले थे। उसी इलाके के बेजम ब्लॉक के कस्तूरवा विद्यालय में 37 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई तथा एक अध्यापक को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। विद्यालय में 38 केस पाए जाने से स्वास्थ्य विभाग एवं पूरे जनपद में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट होता नजर आ रहा है। जनपद में प्रतिदिन 800 जांच कराई जा रही। पूरी खीरे जिले में मौजूदा समय में रोजाना RT-PCR एवं एंटीजन मशीन से भी जांच करवाई जा रही है। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार RT-PCR द्वारा 2260 एवं एंटीजन मशीन से 2310 जांच हो चुकी है। पूरे जनपद में कई जगहों पर कोविड-19 की जांच सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।
इसके साथ ही 3 मोबाइल वैनों को भी लगा दिया गया है। लखीमपुर जनपद के तराई इलाके में बाघ की आमद से दहशत का माहौल। 25 मार्च को गोला क्षेत्र में बाघ के हमले में कोंधावा निवासी 50 वर्षीय अमर सिंह घायल हो गए थे। वन विभाग ने बताया कि ग्रामीणों को सतर्क रहकर खेतों में जाने को कहा है। बाघ पकड़ने के लिए कॉम्बिंग जारी है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय फूल बेहड़ में नवरात्र पर कन्या भोज का आयोजन हुआ, जिसमें विद्यालय में उपस्थित 96 बालिकाओं को जिला आकांक्षा समिति अध्यक्ष अल्पना सिंह ने कन्याओं को भोज कराया। इस अवसर पर बीएसए डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे, रश्मि प्रतिमा, नमिता आदि मौजूद रही। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा हाइब्रिड लर्निंग कार्यक्रम करवाया गया। ब्लॉक गोंदलामऊ क्षेत्र के जनतापुर माध्यमिक विद्यालय की प्रधाना अध्यापिका आरती श्रीवास्तव के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में छात्र एवं छात्राओं को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, कंकाल तंत्र, वीडियो मेकिंग, विज्ञान संबंधित शिक्षा, टेलीस्कोप तथा कंप्यूटर एवं टैबलेट एजुकेशन आदि शिक्षाएं दी गई। छात्रों को मास्क भी बांटे गए। कार्यक्रम में छात्र एवं छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। विद्यालय के शिक्षक ब्रजेश कुमार सिंह, राजीव कुमार रावत, मनोज कुमार गुप्ता, वीरेंद्र कुमार वर्मा, लिपिक भानु प्रताप सिंह, धीरज कुमार श्रीवास्तव, सलमान खान, हरिशंकर वर्मा, हरिनाम प्रजापति उपस्थित रहे। सोमवार को सीतापुर के मार्गों पर मनमोहक नजारा देखने को मिलेगा। नववर्ष महोत्सव समिति द्वारा 27 मार्च को भगवा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें आधा दर्जन से अधिक हिंदू संगठनों का रेला निकलेगा। आई इंडिया को यह जानकारी देते हुए भारत तिब्बत सहयोग मंच के जिला अध्यक्ष प्रभात अग्नोत्री ने बताया कि भगवा यात्रा प्रातः 10 बजे से शहर के महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर सिविल लाइन, बर्ट्सगंज, कैप्टन मनोज पांडे चौक, मुंशीगंज, मन्नी चौराहा, कोट चौराहा, उजागर लाल गुरुद्वारा रोड, ग्रीकगंज ट्रांसपोर्ट बस स्टैंड, बहुगुड़ा चौराहा होते हुए एनसीसी ऑफिस रोड से लालबाग चौराहा, आंख अस्पताल रोड होते हुए पुनः आरएमपी ग्राउंड पहुंचकर समाप्त होगी। भगवा यात्रा में डीजे की संगीतमय धुन पर भगवा झंडे लगी बाइक व कार से हिंदूवादी संगठनों के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे और यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं पर पुष्प वर्षा के साथ जगह जगह उनका स्वागत किया जाएगा। भगवा यात्रा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय हिंदू शेरसेना अध्यक्ष, आजाद हिंद भगत संगठन, सेवा भारती, विद्या भारती, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित करीब 1 दर्जन हिंदूवादी संगठन शामिल रहेंगे। साथ ही एमएलसी विधायक व भाजपा के अन्य जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता भी इस यात्रा में शामिल होकर यात्रा की शोभा बढ़ाएंगे। प्रभात अग्नोत्री ने बताया कि भगवा यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरे शहर को भगवा झंडों से पाट दिया गया है। भगवा यात्रा का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्मियों को एकजुट करने का है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर, जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, निकट खैराबाद, टोल प्लाजा, सीतापुर।